कि हमने किसी भी क्षेत्र के अंदर अपना नाम करने वाले या किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति जो पहला है उसका नाम हम याद रखते हैं, जो पहला है उसको याद रखा जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, शहरी जीवन की शुरुआत सबसे प्रथम बार क्या हो रही है, सबसे प्रथम बार कहाँ से जो है शुरू हो रही है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से शहरी जीवन की क्या हो रही है, पहली बार शुरुआत हो रही है। तो कहाँ से, शहरों से, विभिन्न शहर है जो मेसोपोटामिया के अंदर है वहाँ शहरों की स्थापना हो रही है और वहाँ पे लेखन कला और शहर की जो अन्य विशेषताएं हैं वो भी हमें दृष्टिगोचर हो रही है। तो आइए हम समझते हैं इसको, हमने कुछ शहरों के नाम लिखे हैं, ये सबसे प्राचीनतम शहर है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत पाए गए हैं। आई बात समझ में, तो सबसे पहले हमने जैसे नाम लिखा है सुमेर, सुमेर जो सुमेर शहर है यहाँ पर एक भाषा बोली जा रही है, क्या बोली जा रही है, लैंग्वेज बोली जा रही है। शहर का विकास साथ ही साथ किसका विकास हो रहा है, भाषा का विकास हो रहा है, और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जा रही है, सुमेरियन भाषा या सुमेरी भाषा बोली जाती है। देखिए अब जो सुमेर था उसका महत्व कुछ कम पड़ा और इसके स्थान पर एक नया शहर जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है, वो कौन सा है, अक्कद। और अक्कद के अंदर बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो गई, अक्कदी भाषा बोली जा रही है। ये अक्कदी भाषा जो है ये काफी महत्वपूर्ण है हमारे मेसोपोटामिया की सभ्यता का, हम इसको आगे समझेंगे। तो देखिए अब अक्कद के स्थान पर यहाँ पे एक और नया शहर जो है वो विकसित हो रहा है, और वो शहर कौन सा विकसित हुआ है, बेबीलोनिया। बेबीलोन जो है ये नया शहर बना है और यहाँ पर भी भाषा कौन सी बोली जा रही है, अक्कदी भाषा बोली जा रही है। अर्थात जो सुमेरियन जो भाषा है वो तो इस मेसोपोटामिया सभ्यता की सबसे प्राचीनतम जो है वो भाषा मानी जाती है। तो सुमेरियन भाषा के बारे में हम क्या याद रखेंगे कि ये जो भाषा है ये इस मेसोपोटामिया सभ्यता की क्या है, प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। अब देखिए ये जो सुमेर है इसके बाद में एक शहर अस्तित्व में आ रहा है वो है अक्कद, और अक्कद के बाद में बेबीलोनिया जो है वो अस्तित्व में आ रहा है। बेबीलोनिया अस्तित्व में आता है 2000 वर्ष 2000 ईस्वी जो है इस शहर का अस्तित्व प्रारंभ होता है। ठीक बात है, अब बेबीलोनिया के अंदर भी कौन सी भाषा बोली जा रही है, अक्कदी भाषा ही बोली जा रही है। और ये जो अक्कदी भाषा है ये लगभग 322 या 323 ईस्वी पूर्व तक जो है प्रचलन में रहती है। तो ये जो समय लिखा है किसका समय लिखा है, सिकंदर महान के अंदर समय तक की बात कर रहे हैं हम। तो ये अक्कदी जो भाषा है इस मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर काफी लंबे समय तक प्रचलन में रही है। तो पूछा जाए सबसे लंबी समय कौन सी भाषा प्रचलन में रही, तो हमारे सामने जाएगा अक्कदी भाषा होगी। और अगर कुछ पूछ लिया जाए कि मेसोपोटामिया सभ्यता की सबसे प्राचीनतम भाषा जो उपयोग में ली गई थी वो कौन सी थी, तो हम क्या कहेंगे, सुमेरियन भाषा ली गई थी। आई बात समझ में, अब बेबीलोनिया के बाद में वापस एक नया शहर जो है वो अस्तित्व में आ रहा है और उसका नाम आपके समक्ष लिखा है असीरिया। असीरिया जो है ये 1100 ईसा पूर्व के अंदर अस्तित्व में आता है, कितने में, 1100 ईसा पूर्व के अंदर अस्तित्व में आया, लेकिन इसने बेबीलोनिया के अस्तित्व को नष्ट नहीं किया है। हालांकि इसका महत्व असीरिया का जो महत्व है वो बेबीलोनिया से ज्यादा बढ़िया है, लेकिन उसको एकदम से जगह पर ये शहर नहीं आना, इसको समझते हैं ऐसा क्यों है। यहाँ तक हमने जो तीन शहर पढ़े हैं सुमेरिया से लेकर के और बेबीलोनिया तक, ये तीनों के तीनों जो शहर है ये मेसोपोटामिया जो पूरी सभ्यता है इसके दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिणी भाग के अंदर। तो दक्षिणी भाग का जो महत्व है वो इन स्थानों के द्वारा एक दूसरे से हस्तगत किया जा रहा है। सुमेरिया का प्रभाव बहुत कम हो गया और उसके स्थान पे अक्कद का प्रभाव जम गया। अक्कद का जो प्रभाव है वो कम हुआ तो किसका जम गया, बेबीलोनिया का प्रभाव जम गया। लेकिन ये सारी घटनाएं मेसोपोटामिया के कौन से भाग में हो रही है, दक्षिणी भाग में हो रही है। जबकि ये जो असीरिया है ये जो शहर स्थापित हुआ है ये मेसोपोटामिया के किधर हो रहा है, उत्तर के अंदर स्थापित हो रहा है, ना कि बेबीलोनिया के बाद में उत्तर के अंदर एक और नया शहर स्थापित हुआ है और वो कौन सा है, असीरिया शहर स्थापित। इसीलिए कहा भी जाता है कि सुमेरियन जो सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता जो मेसोपोटामिया की है उसने तो इस सभ्यता का उद्भव किया, इस सभ्यता का क्या किया, उद्भव किया। उसके बाद में बेबीलोनिया आया, अक्कद का ठीक है, सुमेर के बाद में बेबीलोनिया आया, बेबीलोनिया ने इस सभ्यता को शिखर तक पहुंचाया, क्या किया, इस सभ्यता को शिखर तक पहुंचाया। और उसके बाद में कौन, असीरिया आया, इसने इस सभ्यता को आत्मसात कर लिया।
क्या कर लिया, आंख में सार्थ कर लिया।